Hey, how's it going, everyone? My name is Madip and welcome back, everyone, to my second channel, guys. आज हम लोग मुझे बड़ा दुख हो रहा भाई ये बोलते हुए, बट आज हम लोग एक बहुत ही ज्यादा सैड एनिमेशन देखने वाले हैं, एक बहुत ही ज्यादा प्यारे रेवेजर की। यस गाइस, तुम लोगों ने एकदम सही सुना है यार, ये रेवेजर जो एक्चुअली में माइनक्राफ्ट के बाहुबली है, अगर ये मेरे पीछे पड़ जाए तो भैया मुझे भागना ही पड़ेगा, मैं ऐसे लड़ भी नहीं सकता हूँ, इतना ज्यादा डेंजर मॉब है। बट आज जो हम लोग वीडियो देखने वाले हैं उसमें ये बहुत ज्यादा सैड होने वाला है भाई। मेरे सिस्टर मिस्टर फलाना जी ने मुझे ये वीडियो रिकमेंड करी एंड उसने ठेका ले रखा भाई मुझे सैड करने का जिंदगी में, क्योंकि खुश तो मुझे कर नहीं सकता है। एंड बाय द वे, आज मैं अपने ऑथेंटिक बहुत पुराने वाले लाइक आई थिंक 2019 वाला स्मार्टी पाए जो उस कैप को सेम इसी तरीके से पहन के वीडियो बनाया करता रहा, वही सेम लुक मैंने आज मारेगा। तो तुम लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ कैसा लगा तुम्हारा भाई, एंड सीधा ही स्टार्ट करते हैं। वीडियो का नाम गाइस डिफेंसलेस रेवेजर, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब मैंने कर दिया है, ज़ॉम्बो इस चैनल का नाम है। एंड गाइस सीधा ही इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड बाय द वे गाइस, क्या तुम लोगों ने ये वाली वीडियो देखी है? मैंने अपने मेन चैनल पे भाई 1v4 मैनहंट की वीडियो डाल दी है, क्या कर रहे हो, देखो भाई बहुत मजा आएगा तुम लोगों को, बहुत ही ज्यादा मजा। तो चलो भैया स्टार्ट करते हैं इस एनिमेशन को। ऑलराइट, एक बहुत ही प्यारा सा किंगडम है जहां पर एक रेवेजर को पकड़ा हुआ है। कितना क्यूट है छोटू रेवेजर, देखो इसको, ओ माय गॉड। यार भाई मैं मजाक नहीं कर रहा यार, बच्चे जाए जिस मर्जी के वो होते बड़े क्यूट है यार, रेवेजर बहुत ही बेकार होते, बट उनका बच्चा कितना क्यूट है यार, देखो इसको। बट एक बात बताऊं मैं तुम लोगों को गाइस, मैंने माइनक्राफ्ट के अंदर बेबी रेवेजर देखा ही नहीं आज तक भाई, है ना। आई थिंक रेवेजर इज वन ऑफ द मॉब्स जिसका बच्चा नहीं होता है गेम के अंदर, है ना। ओ रेवेजर को गुस्सा आ रहा है भाई इसके ऊपर, बट ये क्या ही करेगा। आई थिंक मुझे भी यही लगता है कि जो ये रेवेजर्स होते हैं ना और जो पिलेजर्स होते हैं, पिलेजर्स ने जबरदस्ती रेवेजर्स को पकड़ा हुआ होता है, मतलब ये मेरी थ्योरी है बाय द वे, है ना। बट लेट्स सी क्या होता है अभी आगे यार। ओके ये अपनी पावर शो कर रहा है उसको, मालिक को अपने, है ना। छोटू को डर लग रहा है, इससे जबरदस्ती काम क्यों करवा रहा है भाई तू। ओके पंपकिन किया ठीक है भाई, अच्छा कॉबल स्टोन नहीं है, मैंने कॉबल स्टोन में के सीन टूट जाते हैं छोटे के। ओ कितना क्यूट है, पिछौड़ा हिला रहा है अपना, गिरा दे प्लीज। नो मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ यार, बेचारा छोटू यार भाई, ये बहुत ही ज्यादा क्यूट है, ये बहुत ज्यादा क्यूट है भाई, मेरे को बहुत दुख हो रहा है ऑलरेडी, मुझे बहुत दुख हो रहा है भाई ये चीज देखकर। ब्रो दिस मेड मी सो सैड एक्चुअली, you guys have no idea मुझे कितना बुरा लगा अभी छोटू के लिए। देखो कितना क्यूट है भाई ये, इसके पापा है शायद इसका, ये ना इसके पापा को देखो बेचारे को दुख हो रहा है। Oh my God, don't tell me इसको हंटर मारेगा, अगर इस पिलेजर ने छोटे बच्चे को हंटर से मारा भाई मुझे बहुत गुस्सा आ जाएगा यार। ओ अब आई थिंक इनकी उधाड़ने वाला टेस्ट हो रहा है। हाय कितना क्यूट है यार ये, कोई बात नहीं बट ऐसा होता है, अभी आप छोटे हो ना, अभी आप थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो अभी तगड़े वाले रेवेजर बन जाओगे एक दिन यार, कोई बात नहीं, होता है ऐसा। इसकी शक्ल देख के मुझे इतना गुस्सा आ रहा है भाई, इसको मैं किसी चीज को फेंक के मारूंगा यार, मेरे पे कुछ है भी नहीं यहाँ पे जो मैं फेंक के, ये होगा ला छोड़ दूंगा तेरे ऊपर बदसूरत कहीं का, अगर छोटे बच्चे को तंग किया तूने तो। माय गॉड, नो मिल्ड, यस लेट्स गो मार इसको खत्म कर दे इसको, लेट्स गो, मार दे। ओ माय गॉड, बैकअप आ गया इसका, रे भाई रहने दे यार। हाय हाय, ओ छोटू को कितना दुख हो रहा है यार भाई, एक माइनक्राफ्ट की एनिमेशन किसी आदमी को कैसे रुला सकती है भाई, कुछ इनसे सीखो यार, किसने बनाई है भाई इसको, मैं एक और शॉर्ट आउट देने वाला, ऑफ कोर्स ज़ॉम्बो भाई, ये जो भी बंदा है ना यार, क्या एनिमेशन बनाई है भाई साहब, मैं रोज आऊंगा अभी यार। बच्चे को गुस्सा आया एंड बच्चा देखते क्या करता है अभी। लंगड़ा चल रहा है। सी मैं तुम लोगों को सच्ची बता रहा हूँ, दिस शोज कि इसके पास कितनी ज्यादा पावर है रेवेजर के पास, कि मार सकता है बट क्या बोलेंगे उसको, लाइक हालात ऐसे सिचुएशंस ऐसे है कि कुछ कर नहीं पा रहा है। सपोज अगर ये एकदम खुला होता, लाइक जंगल में आए होते ये चार बंदे ना बिना हंटर, कैसा मारता ना इनको भाई ये, बट भाई सिचुएशन हमारी जिंदगी में ऐसी आती है कि क्या कर सकते हैं भाई। ओ माय गॉड, बहुत दुख हो रहा है यार। लात मारी उसको भाई, मेरे को गुस्सा आ रहा है यार,
क्या है भाई ये? हेलो ब्रो, सीरियसली ये मुझे कितना बुरा लगा, उसका लात पड़ी यार मुंह पे, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है। अरे बाप बेचारा कुछ कर भी नहीं पा रहा, लात मुंह के सामने मार दी उसको, सो सैड। ऐसा बदला लो कि उसको ऐसा मारो ना पकौड़े को ना कि ये याद करेगा ये। माय गॉड यार। ओके अगला दिन हो चुका है भाई, प्लीज अगले दिन कुछ नया हो, सेम चीज रिपीट ना हो यार। What the hell? No. गुस्सा आ गया बाप को। भाई ऐसा मारी हो ना मां के समझो, छोड़िए मत इनको तू। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी जो तुम लोगों को बोलने वाला हूँ, अगर रियल लाइफ में ऐसा कुछ मेरे सामने होगा ना, अपनी जान की बाजी लगाकर उड़ा दूंगा उन सब लोगों को। सच्ची में, सच्ची भगवान आ जाएंगे मेरे अंदर और सबका खात्मा कर देंगे और खुद भी मर जाऊंगा मैं। ओ माय गॉड। मार 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 मार। लेट्स गो। भागो 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 छोटू, भागो छोटू, भागो छोटू, जल्दी भाग, 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 भाग भाग भाग, शाबाश। ये छोटा वाला लंगड़ा लंगड़ा होके चल रहा है यार, बेचारे को कितना ज्यादा लगी है यार। ओ माय गॉड। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, लेट्स गो। पिछवाड़े में कितने, अरे मर तो नहीं गए ये भाई? डोंट टेल मी कि मर जाएगा और अपने बच्चे को बचा देगा। ओ कितने क्यों। नहीं, नहीं, नहीं। ये क्या हो गया भाई? I am speechless. मैं कुछ बोल नहीं रहा अभी, because I am speechless है। छोटा बच्चा भाग रहा है यार, ये कितना प्यारा है बेचारा। भाई तू पकड़े मत जाइए और तू बड़ा होकर इनको वापस आके मारियो भाई। भाई प्लीज आ, जोड़ रहा हूँ यार तेरे सामने में। अरे कुत्ते, कुत्ते तो क्यूट होते हैं माइनक्राफ्ट के। हेलो डरा दिया। लेट्स गो, लेट्स गो। तालियां तालियां भाई, तालियां इसके लिए, तालियां घर बैठे बैठे तालियां बजाओ गाइस, सारे सारे मिलके तालियां बजाओ छोटे बच्चे के लिए। बहुत अच्छा किया, भगा दिया सबको। ब्रो तू बदला लेगा, बाप का बदला तू जरूर लेगा, कम ऑन डूड। ओह आई थिंक इसको एक विलेजर पालने वाला है अभी। ओके भाई इसको पाल पोस को बड़ा कर दे प्लीज यार। भाई मेरे को बहुत दुख हो रहा है यार, आई एम गोना क्राई डूड, आई एम गोना क्राई सीरियसली। अब ये डरेगा क्या? ओह कितना क्यूट है। अच्छा आदमी मिल गया इसको, चलो फाइनली भगवान, थैंक यू भगवान, इज रियल, गॉड इज रियल, गॉड इज रियल। सी भगवान आए स्वयं एक विलेजर बन के यार, लव यू मैन। अब देखते आई थिंक अभी इसको एक अच्छे किंगडम में लेकर जाएगा। ओ देखो कितना प्यारा किंगडम है ना। All right, dudes. अब इसकी परवरिश अच्छी हो। ओ ये डरेगा, ये सब डरेंगे शायद से। हाँ क्योंकि वो लोग रेड मारते हैं ना, विलेजर्स रेड मारते हैं। खास करके जो ये ट्रेडिंग वाले विलेजर्स होते हैं, इनकी तो बैंड बजाते हैं भाई, है ना, जब भी वो लोग रेड मार रहे थे विलेजर्स वगैरह इन रेवेजर्स के ऊपर। ऐसा आई थिंक ये लोग डर रहे हैं कि छोटे बच्चे को लेकर आ गया, जब ये बड़ा होगा तो ये शायद से इनको मारना दे, दैट्स व्हाई वो लोग डर रहे हैं। ये खुश हो गया कि पानी और खाना दोनों मिलेगा मेरे को यहाँ पे। लेट्स गो। ओके रेवेजर्स इस वीडियो के अकॉर्डिंग कैरेट खाते हैं भाई? आई डोंट थिंक सो, ये कुछ भी नहीं खाते शायद से यार। भाई बहुत बढ़िया, अरे वाह यार, वाह भाई वाह, वन ऑफ द बेस्ट सीन्स यार जो मुझे इस वीडियो में अभी तक लगा, बहुत क्यूट था भाई ये। ओके
टाइम बीत गया, लाइक ये दिखा रहे कि बहुत ज्यादा टाइम लेटर, सालों साल बाद। ओ ये बड़ा हो गया, ओ ये बड़ा हो गया, लेट्स गो शैतान। बच्चा शैतान है बट बड़ा क्यूट है यार। तेरी ऐसी की तैसी साले पकौड़े तूने मेरे सारे पाव गिरा दिए। ओके ओ इसने स्टिक फेंकी शायद से, दैट्स व्हाई ये भाग के गया था। ओके ये बहुत क्यूट है यार, ये बहुत क्यूट है यार। आई डोंट नो भाई, पर मेरे को अब माइनक्राफ्ट कर रहा है, वजह से प्यार हो रहा है धीरे धीरे करके मेरे मन में उनके लिए, लेके एक प्यार वाली भावना जाग रही है। जो मुझे ऑनेस्टली बताऊं, क्रीपर्स वगैरह तो सबको बेकार लगते हैं, बट रेवेजर्स तो सबसे ज्यादा बेकार लगते हैं मेरे को। लाइक शक्ल देख के घिन आती थी भाई, बट अब मुझे वो क्यूट लगने लगे यार। ओ सबको गुस्सा आ गया, सबको ये धोती पहन के आया भाई वाला, ये धोती पहन के आया भाई। अरे यार इस रेवेज, ये रेवेजर थोड़ा सा मुझे लग रहा है शैतान इतना ही कि अब इनको ना पक्का विलेज से निकाल देने वाले हैं। आई कैन प्रिडिक्ट दिस यार, देखो ना सारा नुकसान करवा दिया। ओके लेट्स सी आगे क्या होता है। ओ सब मिल बांट के शायद से इनको निकाल देंगे। निकलवा दिया भाई। नो यार, अरे भाई इस विलेजर को क्यों निकाल रहे हो साथ में यार, ये तो तुम्हारे कम्युनिटी का मेंबर है भाई। क्यों, कोई बात है, कोई बात है, साथ बैठ के जाओ तुम दोनों। ओके सो दिस इज द सेकंड सैडेस्ट सीन ऑफ दिस वीडियो यार। मेरे को बहुत दुख हो रहा है यार, सीरियसली बता रहा हूं मैं तुम लोगों को, बहुत दुख हो रहा है, हद से भी ज्यादा दुख हो रहा है मेरे को ये चीज देख के। आए हाय लेट्स गो, अब इसके अंदर पावर तो आई फाइनली, कि ये बेसिकली वो सब कुछ कर सकता था जो उसका बाप करता था। सो गुड टू सी दिस कि इन्होंने एक नई लाइफ स्टार्ट करी है आउट ऑफ दैट विलेज। लेट्स गो, कितने खुश है भाई दोनों यार, कितने क्यूट है यार। भाई यार ये चीज को देख के तो मेरे को मन कर रहा है कि काश मेरे पास भी एक पेट होता जो मेरी ऐसे ही मदद करता। लाइक ऐसे नहीं कि लाइक कोई बिल्ला पाल दिया और बिल्ला पड़ा हुआ है भाई एक साइड में, खाना दो उसको, उसकी सेवा करो फालतू में, ऐसा तो नहीं, बट कोई ऐसा जो मतलब मेरी भी हेल्प करे यार, मतलब बहुत मन जैसा कर रहा है यार। ओह इसे ऑलमोस्ट सेम घर बनाया जैसे इसके विलेज के अंदर था, उसके लिए अलग से और अपने लिए अलग से। नाइस वन डूड। ओ माय गॉड, ये वही बंदा है भाई, तू गया अभी, अभी तू गलत जगह पे आ गया, तू गया भाई, तेरे को कोई नहीं बचा सकता है समझा। आई कैन प्रेडिक्ट दिस राइट नाउ। ओ ये कितना क्यूट है, लेकिन डर रहा है यार ये अभी। आई थिंक इसको अपनी पावर्स रियलाइज नहीं हुई है, जब इसको देखेगा इसको गुस्सा आएगा तब इसको शायद इसकी पावर्स रियलाइज होगी कि मैं कितना डेंजर हूं। ये डर गया, डर गया। ओ ये कितना क्यूट है यार, इसने उठा दिया उसको। ओके यो व्हाट द हेल, भाग 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 गई। नो मर गया, मार भाई तू ऐसा मार ना, मार कसम से यार, वरना मैं मारूंगा तेरे को। यू व्हाट द हेल ब्रो, इतनी पावर आ गई इसके अंदर। लव यू मैन, लव यू मैन, लव यू मेरे बेटे, लव यू मेरे बेटे। गया बेटा, गया मेरा बेटा, गया मेरा बेटा, मर गया भाई ये एक तो गया। तुम दो भी गए, लेट्स गो, एक एक शॉट है भाई यार, इसका विलेज है मरना नीचे भाई। एरो को निकाल दे प्लीज, एरो को निकाल दे इसको, इसको तू बाबा जी की बूटी पिला दे भाई प्लीज यार, बाबा जी की बूटी पिलाएगा तो आई आई थिंक इसको वापस विलेज में लेके जा सकता है। ओके
खेकाई कुआरे मारने के लिए। और हो रहा यार ये। नो वेज, इन बेवकूफ विलेजर्स ने इसी को भगा दिया। हे भगवान, अक्कल के अंधे हो क्या तुम लोग? भाई क्या बोलूं मैं तो इन लोगों को। चले भाई जिंदा तो है कम से कम। ओ माय गॉड भाई साहब, हाँ जिंदा है, पट्टी लगी हुई है। अभी बोलेगा कि मेरा वो कहाँ है रेवेजू, छोटू रेवेजू कहाँ है, और इसको बहुत दुख हो जाएगा शायद से। हाय हाय, भाई एजू की आवाज है भाई, सेम एजू की ऐसी आवाज है। मजाक कर रहा भाई, आई एम जस्ट जोकिंग। ये इसको अच्छे से ढूंढेगा दोबारा से। अच्छा अगला दिन हो चुका है, ये सोच के कि शायद वापस आएगा, बट नहीं आया, अभी तक वापस नहीं आया। अरे बाहर जाकर ढूंढने जाओ उसको। गाइज मेरे को आता है, दिस इज अटैचमेंट यार। मेरी ना एक बहुत पहले एक बिल्ली थी मुश्किल नाम से, अगर तुम मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत पहले से फॉलो करते तो तुम लोगों को पता होगा, छोटू इसी बहुत क्यूट बिल्ली थी यार। एंड फिर वो मर गई थी और भाई मैं सदमे में था यार बहुत टाइम तक, क्योंकि बहुत क्यूट थी यार वो, तो मुझे उसकी बहुत याद आती थी, मैं भी ऐसे ही रोता रहा उसके लिए यार। लेट्स गो। ओ माय गॉड, इसकी फैमिली बन गई है, कितने क्यूट है। अच्छा ओ हाँ, मेरे को लगा इसने पहचाना नहीं उसको पहले। भाई मैं दुखी हो जाता है यार अभी, और इसने अपनी फैमिली बना दी है, कितना क्यूट है छुटकू ऐसा भाई। चलो यार एक चीज तो बड़ी हो गई गाइस, आई एम टेलिंग यू गाइस राइट नाउ, भाई अंत भला तो सब भला यार। ये एनिमेशन ने मुझे रुला दिया भाई, मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मतलब कोई माइनक्राफ्ट की एनिमेशन रुला सकते यार। भाई बहुत ही ज्यादा इमोशन से भरी हुई थी। और रेवेजर जो छोटू सा बच्चा था वो बड़ा हुआ, वो हीरो बना, देन इंडियन फादर बना, यू नो ये सब हमें दर्शाता है बेसिकली कि भाई लाइफ में ऐसा ऊंच नीच आती रहती है, बट इन द एंड सब कुछ बेस्ट ही होता है, ठीक है ना भाई। तो तुम्हारी लाइफ में अगर अभी ऊंच नीच चल रही है तो तुम्हें वो लास्ट में तुम्हारे कंक्लूजन तक लेके जाएगी, जहाँ पे सब कुछ अच्छा ही होगा, ठीक है ना भाई। तो टेंशन मत लो, भगवान पे भरोसा रखो, ठीक है, इतना ही बोलूंगा भाई। सो यार गाइस अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करना, और मैं मिलता तुम लोगों को।